बैक टू माई चैनल। तो आज मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं आज ऐसे व्लॉग व्लॉग शूट करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं प्लान था आज। बस मेरा एक इंट्रोडक्शन था, मुझे वो देख के अपने घर जाना था वापस। तो हुआ क्या, मेरा मतलब जब भी मैंने दिया ऑडिशन या इंट्रोडक्शन, तो क्या होता है बस आई, दिया और मैं चले गई, ठीक है। पर आज मैंने एक सबसे यूनिक चीज़ देखी है, उसको दिखाने के लिए मैंने व्लॉग स्टार्ट किया आज। ओके, तो आज मेरा नंबर मतलब 3 to 6 था गर्ल्स का ऑडिशन, तो मेरा नंबर है 140, मतलब मेरे से पहले 139 गर्ल्स खड़ी हैं। और मैं जल्दी आई, मतलब 3 to 6 था और मैं 3:15 या 3:20 के पास पहुंची हूँ, और बस 20 मिनट में 139 गर्ल्स आ चुकी हैं। मैं दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि भीड़ दिखाऊंगी मैं भी आपको। चलो 140। बाप रे। उसके बाद आप ये भीड़ देखिए, मैंने जैसे जूम किया बस मुझे काले काले टकले नज़र आ रहे थे। तो मेरे पीछे भी भीड़ लग चुकी है। अब ऐसे पीछे पीछे भीड़ लगी जा रही है ना, तो और अच्छा फील हो रहा है कि चलो ठीक है हम आ गए हैं। अभी जो मेरे लाइन के पीछे, जो मेरे लाइन के आगे हैं, उनसे बातचीत करके हम ये पता लगा रहे हैं वो कब से मेहनत कर रहे हैं और हम कब से आए। और मुझे यहाँ पर ऐसे फील हो रहा था कि मैं किसी भंडारे की लाइन में लगी हूँ। फिर आपको जूम करके दिखा रहे हो, तो ये वो है, मतलब ये लिस्ट पे जो नाम लिखे हुए थे, तो ये एक करके सबको बुला रहे थे नेम वाइज कि अब आपका नंबर आ गया, पर आपका नंबर आ गया। इसके बाद ये था एक अंदर रूम जहाँ पे हमारी लाइन वाइन लगी वापस से अगेन, ये सेकंड रूम था हमारा। उसके बाद जाके लास्ट रूम है ये, यहाँ पर लास्ट लाइन थी, एक है स्लेट वाली उधर और मेन वाली इधर। फिर हमने ये स्लेट फिल किया, और स्लेट फिल करने के बाद हमने हाय गाइस मीट माय न्यू फ्रेंड्स। ये बात सही है यार, ऑडिशन देते देते ना नए दोस्त बड़े बनते हैं, अब अपनी फील्ड में बनते हैं, सबसे बेस्ट पार्ट, वरना तो पता। हाँ, तो मैंने पहली बार ऐसा ऑडिशन तो नहीं, इंट्रोडक्शन था ये, इंट्रोडक्शन दिया जिसमें इतनी लंबी लाइन थी हमारा 139 ऐसे नंबर था, बट आ गया। और हमारे पीछे भी और 100 गर्ल्स और थी। उसके बाद हम अंदर गए, एक बार और लाइन लगी, उसके बाद हम एक रूम के अंदर गए, उसमें भी लाइन थी। सब कुछ अच्छा गया, गुड। बस मेरा वो डर था कि ना शाम ना हो जाए ज़्यादा, मेरे भी हालत नहीं थी रात को चलने की अपने घर तक, इसलिए शाम तक सब ठीक हो गया। उसके बाद एक एंटी कास्टिंग करके है, एंटी कास्टिंग के अंदर भी गए, वहाँ पे भी इंट्रोडक्शन चल रहे थे, बट वो हमारे लिए नहीं थे, वो एज वाले मतलब बॉयज़ के थे 25 to 30 के आसपास। तो वो बोला है उनसे बस ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी ले ली, प्रोफाइल सेंड कर देना एंड ब्ला 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 जो भी होता है। चलो बेचारी कब से बोल रही थी इसको आइसक्रीम चाहिए, इसलिए हम आइसक्रीम ढूंढ रहे हैं और मुझे गन्ने का जूस दोनों खाएंगे। चलो और सेम मेरी भी माय फेवरेट। चीयर्स गर्ल्स, चीयर्स साथ में। चलो ये मिला देख, अच्छा लग रहा है ये, मैं करती हूँ बहुत, क्या बोलूँ, कितना अच्छा लग रहा है। तो हम दोनों की विशेष पूरी हुई है, इसको इसके आइसक्रीम मिल गई, उसको मेरा गन्ने का जूस, मेरा पिज्जा, इसको दोनों के मजे मिले, अब पिज्जा इससे रहता है, वो भी ढूंढेंगे अभी हम। फर्स्ट टाइम कैसा था एक्सपीरियंस? सारे लोग मुझे पागल समझते होंगे ऐसे। तो अभी हम ऐसी वॉक कर करके आगे जा रहे हैं, उसके बाद मैं घर चले जाऊंगी और ये अपने घर चले जाएंगे, मैं इनका घर देख कर जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी चाहिए। हाँ, हम मैं विंडो से सी बीच देखूंगी। गई मेरा ना पहली बार ऐसा हो गया है, इतनी लंबी लाइन, 140 नंबर, सोच रही हूँ 139 गर्ल्स मेरे से आ गई। कंपटीशन और ये विंडो जहाँ से क्या है बीच का व्यू, राइट, सी व्यू।
गई तो अभी रात के 9 बज चुके हैं और मैं वापस आ गई और मैं थक गई और मेरा दिमाग सोचा, मैंने सोचा वहाँ से मैं ओला नहीं करती, ओला ज़्यादा महंगा पड़ेगा, मैं ऑटो ओला से मतलब ओला से मैं ऑटो कर लेती, तो टू कम दिखा रहा था बट यहाँ आते आते पता नहीं कैसे ज़्यादा हो गया, मतलब मेरी बेवकूफ़ी के लाइन बेसिकली। ओके तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।